इधर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा पुतिन जल्द खत्म करना चाहते हैं जंग। पूरे ईरान में फैली हिजाब की आग। तेहरान में महिलाओं ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महिलाओं से ज्यादती के बाद ईरान की दुनिया भर में हुई किरकिरी। और ब्रिटेन के स्मिथविक में हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसक टकराव। इन सभी खबरों को विस्तार से देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। रूस यूक्रेन जंग के 6 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान सामने आया है। एर्दोगान ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि रूस के लिए यूक्रेन की परिस्थितियाँ बदली हैं। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने दोबारा मध्यस्थता का भी संकेत दिया है। फास्ट फूड बेचने वाली अमेरिकी कंपनी मैकडोनल्ड्स ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में अपनी सेवाओं को दोबारा शुरू कर लिया है। राजधानी क्यू में मैकडोनल्ड्स के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ओपनिंग पर लोगों की खुशी देखने लायक रही। कंपनी के सप्लाई चेन से जुड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें रोजगार की टेंशन परेशान कर रही थी। रूसी आक्रमण के करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद कीव में मैकडोनल्ड्स का रेस्तरा खुल गया है। हिजाब की आग में अब पूरा ईरान जलने लगा है। बीते मंगलवार को 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के लोगों के सब्र का बांध टूट गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्ला खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। महिलाएं हिजाब से आजादी चाहती हैं और इसमें ईरान का आम आदमी भी उनके साथ खड़ा है। इस बीच पुलिस भी ज्यादती पर उतर आई है। बीती रात पुलिस की गोलीबारी में एक शख्स की मौत की खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आई इन तस्वीरों से पूरी दुनिया सकते में है। मॉरल पुलिसिंग के नाम पर महिलाओं पर लाठीचार्ज, मारपीट और सामुदायिक गिरफ्तारी का व्यापक विरोध शुरू है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। कई महिलाओं के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। इस दौरान 200 से 300 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। मॉरल पुलिसिंग के नाम पर महिला पर ज्यादती से ईरान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि हिजाब न पहनने के लिए महिलाओं को टारगेट किया जाना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि कारणपूर्ण हरकत है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कई वेरिफाइड वीडियोस का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने ईरानी सरकार के रुख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस मसले को लेकर अमेरिका और इटली ने भी ईरान की आलोचना की है। ब्रिटेन के लिसेस्टर में हिंदू मुसलमानों के बीच भड़के हिंसा की आग अब स्मिथविक तक फैल चुकी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्मिथविक में एक हिंदू मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर किया। इससे पहले 28 अगस्त को एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले के बाद लिसेस्टर में हिंसा हुई थी। इंडोनेशिया ने अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को चैंपियन बताया है। दिल्ली में इंडोनेशियाई राजदूत ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और मुझे विश्वास है कि भारत और इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इग्ना हागनित्यास ने 2030 तक इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्रीस से युद्ध की आशंकाओं के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमेरिका ने F-16 नहीं दिए तो तुर्की खुद 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा। PBS टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एर्दोगान ने कहा कि ये मेड इन तुर्की फाइटर जेट बैरक्टर TB2 ड्रोन की तरह ही घातक होंगे। अमेरिका के प्यूर्टो रिको में फियोना तूफान का कहर जारी है। तूफान के चलते यहां अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। फियोना तूफान ने यहां भयंकर तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आकर सैकड़ों बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं जिससे कई इलाकों में बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि तूफान में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए नेशनल गार्ड के सैनिकों को उतार दिया गया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।